channel Little Ones Kit. And my name is Shalvi. आज मैंने पापा के लिए गिफ्ट मांगा एक वो वाला पास्ता वाला टॉय. चलो स्टार्ट करो, कैसे बनता है? We will see. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ईशु ने अपने पापा के लिए कैसे पोस्टर बनाया. इसमें A4 शीट को सबसे पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड हर एक पार्ट को डिफरेंट कलर से फिल करना है. ईशु ने इसमें क्रेयॉन्स कलर यूज़ किए हैं, तो क्रेयॉन्स कलर के रिप्लेसमेंट में आप वाटर कलर, एक्रीलिक कलर्स या कोई भी कलर्स ले सकते हो. क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए क्रेयॉन कलर को यूज़ करना इट्स वेरी इजी. एंड ये पोस्टर्स बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे इसको खूब इंजॉय करते हैं. एक्चुअली दिस इज़ एन इमोशनल एक्टिविटी, क्योंकि जब मैंने ईशु को बताया कि ये पापा के लिए बना रही है तो शी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट. तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए एंड बच्चे इसको खूब इंजॉय करते हैं. तो इसमें सबसे पहले ईशु ने सारे कलर्स को फिल किया. आफ्टर दैट इसमें कुछ कोट्स हम लिखेंगे एज वेल एज कुछ पेपर्स चिपकाएंगे एंड पास्ता भी यूज़ करेंगे. जब एक बार पूरा कलर आप फिल कर दोगे तो उसके बाद हम स्टिकिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे. एक बार जब बच्चे पूरे कलर फिल करते तो उसके बाद आप कलर्स के बीच में जो गैप है वो फिल कर सकते हो. एंड सेकेंडली, जब एक बार पूरा क्रेयॉन कलर्स ये लोग फिल कर देते हैं तो उसके बाद आप टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा सा रब करिए. इससे जो कलर आता है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. तो चलिए अब स्टिकिंग एक्टिविटी शुरू करते हैं. तो इसके लिए आपको एक स्मॉल सर्कल कट करना है एंड बच्चों को ग्लू की हेल्प से उसको स्टिक करना है. इस पोस्टर में हम सन को बनाने वाले हैं, तो सन की रेज के लिए हम पास्ता यूज़ करेंगे. तो एक बार जब ये सर्कल को स्टिक कर देंगे तो उसके अराउंड हमें जो सन रेज है वो पास्ता की हेल्प से बनानी है. तो इसके लिए हम पास्ता में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के उसकी हेल्प से इसको स्टिक करेंगे. एक्चुअली जब एक बार आपने ग्लू लगा दी या फेविकॉल लगा दिया तो उसके बाद इस पोस्टर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि पास्ता अच्छे से स्टिक हो जाए. हे फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड इसी तरीके के क्यूट लर्निंग DIYs के आइडियाज़ मिलते रहें. तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. तो एक बार जब ये पास्ता स्टिक हो जाएगा तो उसके बाद हम इस पे कोट जो भी आपको लिखनी है वो आप लिख सकते हो. तो मैंने जो कोट यूज़ की है वो आप देख सकते हो कि मैंने उसके ऊपर कैसे लिखी है. एंड मैंने इसमें परमानेंट मार्कर यूज़ किए हैं. इन प्लेस ऑफ परमानेंट मार्कर आप स्केच पेंस ले सकते हो या आप वाटर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो. एक्रीलिक कलर्स भी ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हो. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोस्टर. आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए. एंड अब तो फादर्स डे भी आने वाला है, सो दे कैन ऑल्सो सरप्राइज देयर फादर विद दिस ब्यूटिफुल पोस्टर. कितना सुंदर बनाया है ना पापा के लिए. कौन है डैडी? मेरे पापा. क्या? मैंने वो पोस्टर चाहिए और मैंने उसका आई ऑफ टाइम मारिए और मैंने उसका माउथ मारिए और मैंने ऐसे स्माइल ऐसे सर्कल और स्माइल बनाई है. स्माइल बनाई है. और यहाँ क्या लिखा है? यू यू आर हर माई माई सनशाइन शाइन डैडी डैडी.